देखिए हम लोग विकास ही हमारा मुद्दा है और राष्ट्रवाद मुद्दा है, एक हाथ में राष्ट्रवाद का झंडा दूसरा विकास का। मेरा सपना कल्पना है कि आतंकवाद समाप्त हो, नक्सलवाद समाप्त हो, माओवाद समाप्त हो, पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नमस्कार और पूरी दुनिया शांति के मार्ग पर आगे बढ़े, यही माननीय मोदी जी का सपना है। न लोग झगड़े हैं, न लड़े हैं, शांति के मार्ग पर पढ़ें, आगे विकास करें, एक दूसरे की चिंता करें, इसी के मार्ग लोग योगा करें, स्वस्थ रहें, सूर्य नमस्कार करें, पूरी दुनिया शांति के मार्ग पर आगे बढ़े, यही हम सबका सपना है। दूसरा सपना है गांव गरीब किसान झुग्गी झोंपड़ी का इंसान आदिवासी वनवासी गिरवासी माननीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में लोगों की चिंता किया जाए कि सभी को छत मिल जाए, रहने के लिए छत पर भोजन मिल जाए, 24 घंटा लाइट आए, इसके हम लोग चिंता। मंत्री जी, मंत्री जी, राम मंदिर के मुद्दे इस समय गर्म चल रहा है। देखिए आप देख रहे हैं, हमें लगता है कि समय आ चुका है और निश्चित भी समय आ चुका है और हमारी इच्छा है कि भव्य मंदिर निर्माण। मंत्री जी, पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ एक गठबंधन बन रहा है, शरद पवार और TDP, ये राहुल जी सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि नेता ईमानदार है और जब नेता ईमानदार रहता है तो लोगों को डर रहता है। और मैं विश्वास आपको दिलवाता हूँ कि तीनों राज्य में भी सरकार बनेगी, जितने राज्य के चुनाव हो रहे हैं और केंद्र में भी सरकार बनेगी भाजपा के।